तो नमस्कार फ्रेंड, इस टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले कि गाइस आपने पोर्टर एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जी हां गाइस, आपने पोर्टर एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सिंपली गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में पोर्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होता है। सिंपली गाइस मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो इधर मैं फर्स्ट में एक परमिशन मांगेगा जिसे गाइस मैं अलाउ कर देना होता है। सिंपली गाइस मैं इस परमिशन को अलाउ कर देता हूं। अलाउ करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो इधर मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करने को बोल दिया जाता है। सिंपली गाइस आपने मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाना चाहते तो अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो गाइस अपनी ईमेल आईडी से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली गाइस मैं मोबाइल नंबर यहां पर फिलअप कर देता हूं। फिलअप करते ही गाइस जो हमारा मोबाइल नंबर है वो यहां पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारा अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम सिंपली गाइस इस अकाउंट को चेक करना चाहते हैं तो सिंपली गाइस नीचे की साइड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करते ही गाइस ऊपर की साइड में देखी गई हमारा जो अकाउंट है वो यहां पर बनकर तैयार हो गया है। तो ऊपर की साइड में अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है गाइस। तो इस तरह से गाइस आपने पोर्टर एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू गाइस।